हे गाइज, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली क्या बताने वाला हूँ, देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लैपटॉप को कैसे क्लीन कर सकते हो, राइट? देखो, लैपटॉप हम सब लोग खरीदते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत के कमाए हुए पैसों से खरीदते हैं, एम आई राइट? एंड बट इसका ध्यान रखने की जहाँ तक बात आती है, मतलब स्पेसिफिकली इसको क्लीन करने की, वहाँ पे बहुत सारे लोग लेज़ी फील करते हैं। आई हैव पर्टिकुलरली सीन पीपल जो बहुत लेज़ी फील करते हैं जब लैपटॉप को क्लीन करने की बारी आती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में मतलब हाईली सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने लैपटॉप को रेगुलरली, मतलब एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद उसको जो है क्लीन करना है। लेकिन क्लीन कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है। सो देयर आर फ्यू मिस्टेक्स जो लोग करते हैं उनकी भी बात करेंगे एंड किन स्टेप्स को परफॉर्म करना है उनकी भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप को एक्चुअली क्लीन करना कैसे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दो जो सामान हम यूज़ करने वाले हैं उसमें बेसिकली ये दो ब्रशेज हैं, ठीक है? आपको आपके पास अगर इनमें से एक ब्रश भी है तो काम चल जाएगा। एक हमने एयरबड लिया है, क्या यूज़ है वो आपको पता चल जाएगा। देन एक माइक्रोफाइबर क्लोथ है एंड देन आपका जो है लैपटॉप क्लीनर लिक्विड, ठीक है? तो ये आपको अमेजोन से सामान सारा मिल जाएगा। ये तीन चीज़ें जो हैं वो एक ही किट में आपको देखने को मिलती हैं एंड एयरबड तो नॉर्मली आपके घर में मिलेगा ही, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप हम क्लीन करेंगे अपने कीबोर्ड वाले एरिया को। देखो, जो कीबोर्ड वाला एरिया है दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा कि जो कीबोर्ड की कीज़ रहती है ना, इसके बीच में जो गैप्स रहते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एंटर होते हैं, जो आसानी से नहीं निकलते, ठीक है? अगर आपका मतलब एक्सटर्नल कीबोर्ड है उसको तो उल्टा करके पीछे से आप मारो तो डस्ट पार्टिकल नहीं, पर इसमें नहीं निकलते। तो आप इस तरह के ब्रशेज़ का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी विजिबल पार्टिकल दिख रहे हैं तो उन विजिबल पार्टिकल को इस ब्रश का यूज़ करके आप बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल लाइट हाथों से आपने ब्रश को यूज़ करना है। ये नहीं कि ज़्यादा अंदर उसको घुसाना है या ज़्यादा अंदर दबाना है, आपने अंदर का सामान नहीं जो है वो डैमेज करना, बिल्कुल लाइट हाथों से आपने इसको करना है। सो व्हाट यू नीड टू अवॉइड, ज़्यादा जोर या ज़्यादा फोर्सफुली किसी चीज़ को निकालने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जो कीबोर्ड की कीज़ के बीच का यू नो एरिया रहता है लैपटॉप का, वहाँ पे अगर आपका गंद है ना तो वो आप क्लोथ से एटलीस्ट क्लीन नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको काम आएगा ये आपका एयरबड। तो आप एयरबड को में भी थोड़ा सा लिक्विड के साथ गीला करके, ठीक है, डायरेक्टली लिक्विड जो है आपने स्प्रेड नहीं करना है। कभी भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपने इस लिक्विड को डायरेक्टली किसी सरफेस में स्प्रेड नहीं करना है। उससे आप जो है ज़्यादा गीला कर दोगे, उससे डैमेज हो सकता है आपका लैपटॉप इन शॉर्ट। तो इस एयरबड की मदद से आप कीबोर्ड के बीच का जो आपका सरफेस एरिया है उसको इजीली आप जो है क्लीन कर सकते हो, ठीक है? उसके बीच में अगर कोई यू नो दाग लगा है या किसी चीज़ का निशान है तो वो इजीली इस एयरबड से क्लीन हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप अपने एयरबड को देखोगे भी तो उसमें काफ़ी हद तक जो है डस्ट आपको दिख रही होगी, विच मीन्स कि डस्ट थी ही जो आपने क्लीन करी है। तो दिस इज़ सेकेंड नंबर स्टेप। एंड उसके बाद बात आती है आपके डिस्प्ले क्लीनिंग की या डिस्प्ले के बैक पैनल क्लीनिंग की। देखो, अब डिस्प्ले क्लीनिंग में मैंने जनरली लोगों को देखा है कि वो डायरेक्टली डिस्प्ले पे स्प्रेड करते हैं लिक्विड को एंड देन माइक्रोफाइबर क्लोथ से जो है उसको साफ करने लगते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंस्टेड आपने क्या करना है कि अपने लिक्विड को स्प्रेड करना है अपने माइक्रोफाइबर क्लोथ में, ठीक है? इस पर आपने स्प्रेड करना है एंड देन आप अपनी स्क्रीन की तरफ ले जाइए एंड उसको क्लीन कीजिए, ठीक है? जिस भी स्क्रीन को आपने क्लीन करना है, जैसे मेरे लैपटॉप में दो स्क्रीन्स हैं तो मुझे दोनों क्लीन करनी पड़ती हैं, राइट? एंड सेम इज़ द केस विद हेयर, बट यहाँ पे अगर आप स्प्रेड कर भी देते हो तो इतना चैलेंज नहीं आएगा। जस्ट देखना कि आप किसी पोर्ट्स के पास या किसी ओपनिंग के पास ना स्प्रेड कर दो। तो ये एरिया बेसिकली इतना सेंसिटिव नहीं होता, बट डिस्प्ले में आपने कभी भी डायरेक्टली लिक्विड को स्प्रेड नहीं करना है। एंड मेक श्योर करना कि आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करो, कोई ऐसा क्लॉथ यूज़ ना कर दो जो आपके लैपटॉप में स्क्रैचेस डाल दे या कुछ रफ सा क्लॉथ मत यूज़ कर लेना, ठीक है? तो अच्छे से इसको क्लीन करके साफ़ करके रखिए एंड आप देखिए, आप अगर आप हमारा बैक देखेंगे तो कितना चमक रहा है, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्लीन योर लैपटॉप। सो तो मेरी तरफ से जो दो चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है, एक जब आप ब्रश का यूज़ कर रहे हो तो आपने एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है किसी गंद को बाहर निकालने के लिए, ठीक है? किसी और तरीके का यूज़ कीजिए, आपको इंटरनल नहीं डैमेज करना है। दूसरा, लिक्विड को कभी भी ऐसे एरिया में स्प्रेड नहीं करना है जहाँ से लिक्विड का लैपटॉप के अंदर जाने का खतरा हो, जैसे कि ओवर द डिस्प्ले आप स्प्रेड कर दो, किसी पोर्ट्स के पास स्प्रेड कर दो, ऐसा वैसा।
बाकी ओवरऑल प्रोसेस ऐसा ही है, सिंपल सा है। मेक श्योर कीजिए कि आप रेगुलर इंटरवल्स में अपने लैपटॉप को क्लीन करते रहिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।